इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी शोएब बशीर और इंग्लैंड की टीम के लिए निराशाजनक कहानी सामने आ रही है। वीजा मिलने में देरी के कारण अब स्पिनर को यूके लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे वह भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। 20 वर्षीय ऑफ स्पिनर बशीर के बाहर होने से कप्तान बेन स्टोक्स खुश नहीं है और उन्होंने इस पूरे केस पर अफसोस जताया है। ये स्थिति पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों के भारत में प्रवेश करने से जुड़ी पिछली घटनाओं की याद दिलाती है। उस्मान ख्वाजा, रेहान अहमद और यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में पूरी पाकिस्तान टीम को भी इसी तरह की देरी का सामना करना पड़ा था, जो कि क्रिकेट जगत में चल रहे राजनीतिक तनाव को उजागर करता है। वीजा संबंधी समस्या के कारण शोएब बशीर का डेब्यू का सपना टल गया है। ये शोएब बशीर के लिए दोहरा झटका है, जिन्होंने लॉयंस ट्रेनिंग कैंप में अपना शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और टेस्ट में जगह बनाई। उन्होंने उपमहाद्वीप की टर्निंग पिचों पर अपनी स्पिन का जादू दिखाने के लिए पूरी लगन से मैच खेला, लेकिन वीजा में देरी ने उनसे ये सुनहरा अवसर ही छीन लिया। शोएब बशीर को वीजा नहीं मिलने के कारण वह फिलहाल यूएई में रुके हैं। ईसीबी ने इसको लेकर बीसीसीआई से मदद मांगी है और खिलाड़ी को जल्द से जल्द वीजा देने की मांग की है। ईसीबी ने उम्मीद जताई है कि खिलाड़ी को आज शाम तक वीजा मिल जाएगा। शोएब बशीर को वीजा नहीं मिलने पर इंग्लैंड के बाकी सभी खिलाड़ी रविवार को भी भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन शोएब अभी भी यूएई में फंसे हैं। जयश अंडे नाम के एक यूजर्स ने खिलाड़ी को वीजा नहीं मिलने पर कहा कि पाकिस्तानी होना अब किसी गुनाह से कम नहीं लग रहा है। इसके अलावा अनसीन अनकट नाम के एक यूजर ने कहा कि जिसके नाम पर पाकिस्तान का धब्बा लगा होगा उसका यही हाल होगा। बेन स्टोक्स स्वाभाविक रूप से खुश नहीं है, वह युवा खिलाड़ी की भावनाओं को समझ सकते हैं। उन्होंने इस मामले पर अफसोस जताया है। स्टोक्स ने कहा, मैं उसके लिए दुखी हूँ, विशेषकर एक युवा खिलाड़ी के लिए ये एक निराशाजनक स्थिति है। ऐसे क्रिकेट न्यूज अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।